हेलो, जय श्री राधे, जय श्री बालाजी। आज आए हैं भाई हम तिरुपति बालाजी धाम में। अभी तिरुपति बालाजी में सुबह पहुँचे थे 7 बजे के अराउंड, और फिर हमने यहाँ से रूम वगैरह लिया। अभी फ्रेश वगैरह होके बालाजी के दर्शन के लिए जाएंगे। तिरुपति बालाजी में आने का प्लान तो बहुत दिन से था, बट अभी पॉसिबल हो पाया है। लेकिन मतलब पहाड़ी इलाका है, पूरा देखने लायक नज़ारा है। पीछे पूरी पहाड़ी है, मौसम भी बिल्कुल एकदम जबड़ा हो गया, हल्का हल्का जुकाम सा भी हो गया है। तो अभी थोड़ी थोड़ी वगैरह ली है, देखो चाय पी रही है इन्होंने कहा कि हम बालाजी के दर्शन के लिए जा रहे हैं अंदर। अभी यहाँ पे भी दर्शन दो टाइप के हैं, एक तो आप नॉर्मल लाइन में लग जाओ जैसे, और एक आप यहाँ 300 रुपये की पहले से एडवांस बुकिंग होती है, उसकी टिकट कट जाती है। और आदमी पर्सन के लिए भी यहाँ साइड डायरेक्ट दर्शन है, वो 300 रुपये की जो टिकट लेके है, मतलब वो पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो अभी हम मंदिर के लिए निकल रहे हैं। ये देखो हमारी अनिका जूस दस पी के बिल्कुल रेडी है, 3 चोटी बना ली अनिका ने देखो। बस अभी हम मंदिर के लिए जा रहे हैं। अभी पूछा था हमने कहाँ से रास्ता है, तो यहाँ से लाइन लगे। मंदिर के लिए काफ़ी यहाँ पे रास्ते हैं, ये देखो अलग अलग यहाँ पे रास्ते बना रखे हैं, NS1 NS2 इस टाइप से कई सारे गेट हैं। देखो गेट के अंदर अभी हम जा रहे हैं, एंट्री करके फिर अंदर देखते हैं कि कितना टाइम लगता है, क्या है। अभी यहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं, पहले ये एंट्रेंस के साथ अंदर जाना मना था, तो हमें ध्यान नहीं पता अभी इस बारे में। तो हम चप्पल होटल में नहीं छोड़ के आए, तो स्लीपर्स हमने तीनों यही निकाल दी। अभी मिलेगी ना मिलेगी वो बात की बात है, ना मिले तो भी चलेगा, क्योंकि कहते हैं ना, हमारी मम्मी बताती है कि भगवान के घर कुछ ना कुछ छोड़ के आना चाहिए। अभी ज़बरदस्ती छूट जाए तो क्या पता छूट भी जाए, देखते हैं। हाँ, चप्पल उठना अच्छी बात है, ठीक बोलती है। हाँ, बाकी हमें तो एक्सपीरियंस है बचपन से चप्पल चेंज होने का, मंदिरों में होती रहती है। ये देखो कितनी ग्रिल्स लगा रखी है, मतलब जब भीड़ होती है तो इन सारी ग्रिल्स में, इन सभी में लाइनें लगती हैं, बट अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है तो बिल्कुल खाली लग रहा है। अभी देखो ये हर जगह से कितने गेट हैं इनके, आप फर्स्ट टाइम तो आज भी यहाँ से कन्फ्यूज़ हो रहा है बिल्कुल, मतलब पता नहीं चलेगा कि कहाँ से क्या क्या है। अभी हम जा रहे हैं एंट्रेंस गेट के ऊपर। वे टू म्यूजियम है, तो ये मंदिर के रास्ता भी पता नहीं चल रहा हमें किस साइड है। दर्शन के लिए जा रहे हैं, पूछ पूछ के जाना पड़ता है, यहाँ बहुत कंफ्यूजन हो रही है किधर है मंदिर। हमने पूछा है तो भी जा रहे हमारी हनी हनी का दर्शन किस्मत देखो, बचपन में तिरुपति बालाजी आ गई, हमें तो आने में 8 साल लग गए। अपने परिवार से सारे सिर्फ दादाजी आए हैं मंदिर में यहाँ तिरुपति आज तक, फिर अभी हम ही आए हैं। चलो भगवान ने बुला दिया तो हम आगे। बहुत खूबसूरत है, पहाड़ों पे है ये, पहाड़ी इलाके आपको दिखाएंगे, वहाँ जाके एक बार दर्शन कर लेते हैं। देखो कितनी भीड़ है यहाँ, मुझे आप पूछना पड़ेगा मंदिर किस लिए घूमने पड़ेगा। चलो उससे ये देखो कितना भीड़ हो रही है, दर्शन कर करके आ रही है। लड्डू काउंटर देखो, इसे लड्डू काउंटर यहाँ पे क्या, लड्डू का देखो लड्डू काउंटर, यहाँ पे लड्डू का आप ऑर्डर कर सकते हैं। लड्डू के लिए प्रसाद बहुत प्रसिद्ध है यहाँ का, लड्डू का जो प्रसाद है ना बहुत प्रसिद्ध है, फेमस है। तो हम भी लेके जाएंगे, पहले पूजा के बाद फिर मिलते हैं लड्डू, मतलब कितने लेने हैं केजी के हिसाब से। पहले दर्शन कर लो, उसके बाद फिर ना आपको काउंटर पे जाके ऑर्डर करना पड़ता है भी आपको कितने चाहिए लड्डू, तो आपको मिल जाते हैं। लोग दर्शन करके आ रहे हैं, देखो कितना सुंदर, आपको बिल्कुल नजदीक दिखाएंगे। एक बार हम दर्शन कर जाते हैं अंदर का, फिर आपको ये वाला दर्शन के लिए।
अब पता कर रहे हैं हम भी प्रसाद कहाँ से मिलेगा, प्रसाद लेके फिर जाएंगे अंदर। अब यहाँ से हम एंट्री करेंगे। ये देखो आपके मंदिर है। फर्स्ट टाइम आते हैं क्या पूछना पड़ता है हर जगह कहाँ पे है ये। यहाँ पे यहाँ से कौन बंद कर दिए हम बड़ा कर बंद कर लेंगे। अभी है ना हम यहाँ पे लाइन में लगेंगे दर्शन करने के लिए। मे भी शायद ना फ़ोन अलाउड ना हो अंदर हमें, तो हमें शायद काउंटर पे जमा करवाना पड़ेगा। क्या पता हमें अंदर आपको ना दिखा पाए। अभी दर्शन करके बाहर निकले हैं। ये मोबाइल और घड़ी जमा था, देखो घड़ी तो अभी भी बंधा हुआ है। अभी लेके जस्ट जा रहा हूँ मैं नीचे। दर्शन बहुत अच्छे से हुआ, बहुत प्यारे दर्शन हुए यार। मतलब काफ़ी देर तक बालाजी को देखने का मौका मिला, बड़ा मज़ा आया। मतलब यार फर्स्ट टाइम आए थे तो दर्शन बहुत अच्छे हुए। अनेका उसकी मम्मी और मेरे बहुत प्यारे दर्शन हो गया, दिल खुश हो गया। ये जा रहे हैं, लाइनिंग लगी है, मौसम काफ़ी यहाँ का प्यारा है। चलो पाँव तो थक गए हैं, बट कोई ना, भगवान के दर्शन करने के बाद सब कुछ ठीक हो जाता। तभी बस इसके बाद देखते हैं, चार जगह हो रहे हैं यहाँ पे, आकाश गंगा बता रहे हैं और चार मंदिर हो रहे हैं। उन मंदिरों में भी अभी दर्शन करने के लिए जाएंगे। देखो चढ़ाई है बिल्कुल वैष्णो देवी की तरह, मतलब भीड़ नहीं है, मतलब कोऑपरेशन बड़ा अच्छा है इधर के जो स्टाफ है ना, बड़ा प्यारा कोऑपरेशन है, सब हेल्पफुल है। मतलब किसी की तरीके आपको कोई दिक्कत होती है तो तुरंत वो हेल्प करते हैं। अभी हम यहाँ से पहले आउट होंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट जगह पर दर्शन के लिए। अभी यहाँ से हाँ रास्ता ये था, हम यहाँ से आए थे, यहाँ से वापस। ये देखो हम मंदिर के सामने से जा रहे हैं। अभी हमने मोबाइल और अपनी घड़ी कलेक्ट करी थी। अब देखो बहुत अच्छे दर्शन हो गए। देखो हमारी हनी का, इसको अभी जय जय और करने है। ये देखो हनी जय, हनी जय, जय। लाइव है, लाइव ओके, अरे वो लाइव दिखा रहे हैं, लाइव आरती हो रही है। अभी रस और भी आ रहे हैं, रस बढ़ता ही जा रहे हैं। उधर हवन हो रहे हैं, अच्छा उधर हवन हो रहे हैं, उधर हवन हो रहे हैं। चलो हमारी हनी देखो दर्शन। चलिए हनी का आ रही है, चलिए
जाना ही नहीं है, उसको यहीं रहना है। यहाँ पे इतने दूर से देखो, वहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से या इतनी भीड़ होती है ना, तब यहाँ तक लंबी लाइन लगती है। कहते हैं यहाँ पे दो दो दिन के करने के बाद दर्शन होते हैं, के बाद पहले बुक करवाना पड़ता है। फिर ये देखो ऐसे सिक्योरिटी पूरा सिक्योरिटी के साथ होता है, पूरा आपका आईडी वीडी सब देखते हैं इधर आके पूरा। और जो एक साल के बच्चों के लिए क्या है, डायरेक्ट दर्शन है यहाँ पे, डायरेक्ट से जा सकते हैं दर्शन करने। यहाँ पे कितना रश है, कितनी भीड़ लगी हुई है, पूरे लोग आ रहे हैं दर्शन के लिए आ रहे हैं। देखो अन्न प्रसाद के, देखो देखो आप दे सकते हैं, ये देखो पूरी पहाड़ी है, देखो पूरा पहाड़ है उधर, पूरा भीड़ का पूरा पहाड़ पे है वो, बिल्कुल पीछे आपको पहाड़ दिख रहे होंगे पूरा। देखो देखो यहाँ के पास बस है, और अब ये देखो घाट है, फाउंटेन है, ये देखो कितना अच्छा है ना कैनल अंदर फोन पकड़ टाइप लुक ब्लॉग में। हाँ भीड़ बढ़ती जा रही है। आप ये क्या, यहाँ पे 12 बजे तक, रात के 12 बजे तक ये मंदिर खुला रहता है, सुबह से 3 से रात के 12 बजे तक आप कभी भी दर्शन कर सकते हैं यहाँ पे। कौन से टाइम पे अब हम लड्डू के काउंटर पे जा रहे हैं, लड्डू के यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध मतलब अच्छा माना जाता है प्रसाद लड्डू का बनता है यहाँ पे काउंटर पे जाने। हाय हनी, जैकेट क्या गया नहीं भाई, जैकेट क्या गया नहीं, हनी जैकेट लिया क्या मैं लावा, हनी देखो जय होगी भाई नहीं की जय ये वहाँ पे है ना भीड़ लड्डू के काउंटर पे है। देखो अब वहाँ पे ऑर्डर हमें देना पड़ेगा, और ऑर्डर करके हमें लड्डू मिलेंगे प्रसाद। यहाँ शायद एक साल में 1,00,000 केजी से ज्यादा लड्डू मतलब लग जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो भीड़ है वो काउंटर पे, एक साल बता 1 महीने में 1,00,000 केजी लड्डू लग जाते हैं। देखो यहाँ पे भीड़ लगी है, ओके लड्डू काउंटर कौन सा है सामने हो देखो। ये देखो यहाँ पे हम लड्डू लेने जा रहे हैं, लड्डू को ये देखो लड्डू काउंटर है, लड्डू चलो। ये देखो लड्डू की पहले क्या है, यहाँ से थैली लेनी पड़ती है, मतलब कितने लड्डू आप, 10 लड्डू 15 लड्डू, 10 लड्डू के हिसाब से ये थैली दी है। देखो ये
आज रिपे पर पीस है और ये इको फ्रेंडली है, खेलने देखो प्लास्टिक भी नहीं है, कपड़ा भी नहीं है, अलग ही टाइप के मटेरियल पड़ा हुआ है। लड्डू लेने जा रहे हैं, ये देखो लाइन लगे लड्डू के लिए, टोकन भी लगा था स्टार्टिंग में। हाँ हाँ हाँ, उस टोकन में लिखा है 3% उसके लड्डू से, 3% तू लड्डू मिलेगा। उसके बाद जो दर्शन करके घूम के आया था वो चार लड्डू मिलेगा। देखते हैं मैं, ये देखो यहाँ पे लड्डू के लिए बिल्कुल लाइन लगी हुई है। मैंने कहा कि पापा लड्डू लेने के लिए जा रहे हैं, सारे लड्डू लड्डू लेके बाहर निकले हैं। यहाँ क्या है, जिसने अगर लाइन में लग के दर्शन किए हैं ना, तो उसको जितने पर्सन हैं उसके साथ जो टिकट कटती है उतने लड्डू फ्री हैं। मतलब हम 2% थे तो 2 लड्डू हमें फ्री मिले। उसके बाद आप कैश लड्डू भी ले सकते हो, तो पर लड्डू कीमत है इसकी 50 रुपये। तो जैसे हमने 2 लड्डू कैश में लिए थे तो 100 रुपये के 2 लड्डू और ले लिए, तो हमने टोटल 4 लड्डू लिए। लड्डू का वेट इसमें रहता है 150 ग्राम टू 180 ग्राम के बीच में रहता है। बहुत ही मतलब शानदार ज़बरदस्त टेस्टी लड्डू रहता है, प्रसाद का है। अभी क्या है, 4 लड्डू इसलिए हमारा काम चल जाएगा कि अभी हम 2 ही हैं, घर तो जा नहीं रहे। अभी घर जा रहे होते तो फिर थोड़े और लड्डू लेते हैं ताकि घर पे बांटने के काम आते। तो अभी हमने यहाँ 4 लड्डू कट किए। मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, देखो पहाड़ी इलाका, लोग जो दर्शन करके आए हैं, कोई लड्डू खा रहे हैं, बैठे हैं आराम से। ये देखो पूरा ग्रिलिंग सिस्टम है। अभी एक भगत मिला था उधर ही, वो बोल रहा था कि लास्ट टाइम जब आया था तो 18 आवर्स लगे थे उसको दर्शन करने, घंटे तक लाइन में लगा था भाई 18 घंटे। क्या बंदे बोलते हैं कि 2-2 दिन भी लाइन में लगना पड़ जाता है कई बार अगर भीड़ होती है तो। और इन्फेंट्स उतरी है उधर सारे एक्साइड बढ़ना, नहीं नहीं अभी हम स्लीपर्स लेने जा रहे हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। ये देखो हनी हमारी पूरा जूस गिरा लिया है टी शर्ट के ऊपर, अभी घूम रही है यहाँ पे आराम से। हनी आजा चलो, वो देख अब इसके पीछे पीछे कोई आएगा तो और भागी है, देखो भाग रही है अभी। नहीं उस साइड हनी आजा चलो, वहाँ पे कोई डस्टबिन होगा वो यूज करना आप, चलो वहाँ फेंकना मंदिर है, मंदिर है सामने देखो हाँ मौसम अच्छा रखा है, बारिश भी हो सकती है, बारिश आ सकती है क्योंकि मौसम में भी गरज रहा है। ये देखो हनी आजा। अभी हम आए आकाशगंगा मंदिर है, इधर कहीं आकाशगंगा के नाम से मेला भी स्टार्ट नहीं हुआ लेकिन काफ़ी लंबा दूर तक मेला है। ये आंध्र प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट की जो बल्ले के आती है इसका फेयर है 120 रुपये पर हेड है, वो मतलब 6 मंदिर घुमाती है पूरे 6 के 6 टेम्पल में आपको घुमाएगी। सोई थी अभी फिर बेचारी उठ गई, मैंने कहा बेचारी सो नहीं पा रही पूरी अच्छे से, पूरा दूर तक मेला लगा हुआ है। अभी हम इसी के रास्ते अंदर की तरफ जा रहे हैं, हमें तो पता नहीं चल रहा कि जाना कहाँ है, हम बस पीछे पीछे चल रहे हैं। आइसक्रीम स्टॉल आइसक्रीम खानी है क्या आप लोगों को, चलो पहले दर्शन करके आते हैं उसके बाद फिर कुछ खाया जाएगा। खाने पीने का बहुत सा सामान बना, चाय वगैरह चाय पकौड़ा। ये देखो ये P4S देखो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है आंध्र प्रदेश वगैरह, हाँ शेर वगैरह हो सकता है बच के रहना उनसे बोला।
ये पूरा मेला लगा है देखो दूर तक। ये शायद ऊपर से गंगा का पानी आता है ना, इसलिए उसका नाम आकाश गंगा दिया हुआ है। हाँ ये देखो कुछ मेला काफी बड़ा है। हनी का बिल्कुल थक चुके हैं भाई देखो, अभी हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। पूरा पहाड़ों के ऊपर है ये, इसलिए इसका नाम आकाश गंगा दिया हुआ ना। देखो शंख वगैरह, हाँ इयर रिंग है 10 रुपये में, 10 रुपये में 1 kg इयर रिंग मिलते हैं इधर। ये देखो बुद्धा की बड़ी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ। जय कर दिया हनिका ने हमारे ने, तो देखो हनिका जय कर देती है, मन जहाँ दिखाई देते हैं इसको। चलते रहो पीछे पीछे, दुनिया चल रही है। हाँ ये देखो काफ़ी दूर तक मेला है, ये काफ़ी बड़ा मेला है। लोगों ने अभी से तैयारी कर ली बारिश की, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है। कुछ दुकानें अभी ओपन नहीं हुई। ये देखो आंटी अपने बच्चू हार का सेट दिला रही है, बिल्कुल बढ़िया से बढ़िया। शायद स्लीपर नहीं, कुछ ने डाल रखी है, कुछ निकाल रखी है। ये देखो बिल्कुल पहाड़ का नज़ारा दिखाई देने वाला है अभी आपको। हाँ ये हमने इनसे एड्रेस पूछा था कि मंदिर कहाँ जाना है, तो उन्होंने बताया था, तभी वो पूछ रहे थे दर्शन हो गए क्या, तो हमने उनको बताया कि दर्शन हो गए हमारे। अभी यहाँ पे शायद प्रसाद नहीं है, तो स्वीट कॉर्न है, मेरे को लगा कि प्रसाद दे रहे हैं। बूंदी टाइप का लग रहा था कि वैसे मेरे को लगा बूंदी है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। सुंदर सुंदर ड्रेसेस यार, बच्चों की बहुत प्यारी प्यारी ड्रेसेस हैं इधर। धोती कुर्ता है बच्चों के लिए, देखो बच्चों के लिए टॉयज हैं। काफ़ी बड़ा मेला है ये देखो, लेडीज के लिए काफ़ी सुंदर सुंदर चूड़ियाँ, घर के बर्तन वगैरह ये वो। मेरे को लगा कि वो ये बोलेंगे कि ऐसे बोलेंगे ना, ये कैप्स वगैरह। कैप है फिक्स रेट है 70, नहीं अच्छी कैप है यार, अगर हनु के साइज कैप है लेकिन हाँ तो हम ट्राई करेंगे यहाँ से कैप वगैरह, हम ट्राई करेंगे पता है यहाँ से। ये देखो भाई एक्चुअली यहाँ पहुँच चुके हैं, ये है आकाश गंगा, ये एंट्री गेट। अच्छा ये नहाने के लिए, तो मैं सत्तू खड़ी हुआ तो बताया कोई पहला कोई ना। ये देखो ये ओके, ये देखो ये पूरा पहाड़ी इलाका है, कोई ना कोई ना, चलो देखना पहाड़ का इलाका। ये है आकाश गंगा यहाँ की, तिरुपति बालाजी की। ये पानी ऊपर झरनों में से ऑटोमेटिक पानी आता है, लोग यहाँ पे ऐसे स्नान करते हैं, हाथ पाँव धुलाई करते हैं, उसके बाद अंदर मंदिर है, हाथ पाँव धुलाई करके अंदर दर्शन करते हैं। ये लोगों की भीड़ जमा है, ये पूरा इधर देखो पूरा पहाड़ी इलाका है, पूरा पहाड़ी इलाका है देखो। ये पहाड़ों के बीच में गंगा जी, इसलिए इसका नाम आकाश गंगा है। तो पहले इधर खेड़ आ जाओ, हम भी अभी हाथ पाँव धुलाई करके मंदिर चलते हैं दर्शन के लिए, तो मतलब दर्शन करके आपसे फिर मिलते हैं आप लोगों से। ये अभी बाण गंगा सॉरी आकाश गंगा के दर्शन करके अभी आए हैं। मेरे से कुछ शॉपिंग करी है, घर के लिए कुछ सामान लिया है, बालाजी की मूर्ति ली है अपने लिए, घर के लिए और कुछ और आइटम लिया है इन्होंने घर के लिए। फिर आंध्र प्रदेश की जो बस ट्रांसपोर्ट सर्विस आने वाली है उसका हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं। हनिका देखो आइसक्रीम खा रही है, हमने अपनी आइसक्रीम फिनिश कर ली, अभी हनिका लास्ट तक बिठा के रखती है आइसक्रीम को, अभी धीरे धीरे खाया क्योंकि हनिका की यही आदत है। देखो हनिका आइसक्रीम क्यों फेंक रहे बच्चे, अभी हम बस का वेट कर रहे हैं क्योंकि वो 6 जगह के लिए एक ही बस होती है, तो वेट कर रहे हैं। पहाड़ों में मौसम बिल्कुल बारिश का हो रखा है, बारिश नहीं आनी चाहिए यार, वरना घूमने का सारा प्लान ठप हो जाएगा। मेला है, मेले में धीरे धीरे भीड़ बढ़ती हुई जा रही है, जब हम आए थे भीड़ अभी देखा इतनी भीड़ बढ़ती हुई जा रही है, धीरे धीरे लोग जमा हो रहे हैं, तो और पता नहीं कितना वेट करना पड़ेगा बस का। आई थिंक बस आ गई, ये अभी आए हैं
श्री जबाली हनुमान टेंपल। ये देखो ये तीर्थ यात्रा के लिए, मतलब ये 6 मंदिर है, इसमें से हम तीसरे पे आ गए। भी एक पहले गए थे अंजना माता, गए मतलब आकाश गंगा जो अंजना माता का मंदिर है, उसके बाद हम गए थे पाप शरणम पापनासम पे, पापनासम से जाके अभी हम आए हैं जबाली हनुमान जी के मंदिर पे। कि शायद थोड़ा अभी हम चढ़ाई कर रहे हैं। ये देखो ये रास्ता है, रास्ते से चढ़ाई ऊपर ही, ये चढ़ाई का भी बस नीचे ड्रॉप कर दिया। टू व्हीलर पार्किंग इधर सब हनी खुश हो रही है। हाय हनी, हनी खुश हो रही है। ये देखो थोड़ा पहाड़ी जंगलों के बीच में देखो। हाँ पूरा चढ़ाई पे ही वो थक चुके हम तो। फुल चढ़ाई है। हाँ पूरी चढ़ा नहीं जा रहा, पर दर्शन तो करना ही है। अब इतनी दूर से आई है तो दर्शन करने तो करना चाहिए सभी। पैरों ने बिल्कुल जवाब दे चुके दे दिए हैं, फिर भी हम रुकेंगे नहीं, चलते जाएंगे। देखो ओ ये देखो यहाँ से भी सीढ़ियाँ हैं, और सीढ़ियाँ भी जाने बहुत सारी सीढ़ियाँ ऊपर देखा। दो मिनट बैठे देखो, अच्छा 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 पूरी सीढ़ियाँ देखो कितनी सारी है। अच्छा 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 बैठना नहीं आनी मना कर रही है। देखो कितने सारी सीढ़ियाँ, अभी तो मंदिर दिख भी नहीं रहा, अभी तो मंदिर तो दिख भी नहीं रहा, अभी तो ये सीढ़ियाँ चढ़ते जाना है। पहुँच तो हनुमान ने की जय। देखो जी पुल को सीढ़ियाँ जा रहे हैं सीढ़ियाँ। ये देखो हनी का हनुमान जी की भक्त आ रही है छोटी सी, हनुमान जी के दर्शन करने। पवन देखो छोटी भक्त हनुमान जी की आ रही है दर्शन करने के लिए। और देखो अभी तो हनिका को बहुत दूर जाना है, अभी तो मंदिर देख भी नहीं रहा मैं। ये देखो जी चलो 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 आ रही है। देखो ये देखो हनुमान जी का भक्त आ रहे हैं, देखो बिल्कुल टूट चुकी है, फिर भी हार नहीं मार रही हमारी अनी। इसको हनुमान जी के दर्शन करने करने हैं। आ जाओ आ जाओ चलो चलो। हाँ चल रही है फिर भी, देखो इसको दर्शन करने हैं, मानेगी नहीं आज ये दर्शन करे बिना। सांस इसकी सांस फूल रही है फिर भी। फिर भी देखो हमारी हनी में बहुत दम है,
भगवान के लिए सब कुछ भी कर सकती है ये। हाँ चलो जय जय, चलो आओ आओ, चलो चलो चलो। हमारी हनी आ रही है चल के, देना बैलेंस। हाँ चलो भाई, चलो 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 चलो, चलो चलो आ जाओ आ जाओ। देखो हनी का घोड़ा, हनी को इसके जैसे यहाँ पे कुछ शायद मन्नत है। देखो किसी ने हमने पत्थर के ऊपर पत्थर रखे हुए, देखना हाँ कुछ देखो मन्नत टाइप का लग रहा है मेरे को, पत्थर के ऊपर पत्थर रखा हुआ देखो कितने, शायद कुछ मन्नत मांगी होगी इधर उसके लिए होगा। अंदर भी साइड भी पूरा, हाँ पूरा हर साइड है देखो पूरा, ये देखो यहाँ पे कुछ रिवाज होगा साइड में। हाँ चलो भी, हाय लोनी हनी, देखो हम कितने आए, बहुत दूर था अभी तो और भी जाना है। फाइनली अभी रूम में आ गए बालाजी के मंदिर में, घूमे उसके बाद चार मंदिर और थे उनमें घूम के आए, बहुत अच्छा लगा, दिल बहुत शांत हुआ दर्शन करके। बालाजी महाराज के बहुत अच्छे दर्शन हुए तिरुपति बालाजी के। अगर कभी आपको मौका लगता है, जब बुलावा आता है भगवान का, तो ज़रूर तिरुपति बालाजी आइए, यहाँ पे सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो प्लीज़ अगर पॉसिबल हो तो तिरुपति बालाजी ज़रूर आइए, और अपने परिवार वालों को भी लेके आइए, काफ़ी अच्छी जगह है और दर्शन के लिए भी काफ़ी मान्यता वाला मंदिर है। मंदिर भी बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, बहुत पुराने समय से बना हुआ है, सिक्योरिटी वगैरह हर चीज़ अच्छी है, हर चीज़ मतलब तरतीब से है, कोई मतलब भगदड़ नहीं, कोई कुछ नहीं, और लोग बिल्कुल मतलब यहाँ पर शांति प्रिय हैं। सिक्योरिटी वगैरह वाले हैं वो भी बहुत मतलब कोऑपरेटिव हैं, मंदिर की पुजारी वगैरह मतलब कोई ऐसा धक्का मुक्का वाली बात नहीं है, आराम से अपने बिल्कुल प्यार से दर्शन होते हैं। और लड्डू तो यहाँ का आपको पता ही होगा बहुत मशहूर है, हम भी चार पांच लड्डू लेके आए हैं अभी, उधर भी खाए थे तो लड्डू मिले प्रसाद के, और यहाँ भी अभी खाएंगे। तो आइए और बालाजी के दर्शन कीजिए। जय श्री बालाजी। हम अपने वालों को यहीं पर ख़त्म करते हैं। ओके, जय श्री श्याम, जय श्री राधे।